हेमांग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे टाटा पावर पे ही राय जानना चाहेंगे। नतीजों की एनालिसिस कैसी है, क्योंकि एनालिस्ट के एस्टिमेट से तो बेहतर आते हुए देखिए, एक नए हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी ने 800 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स अनाउंस किया है। आप कैसे देख रहे हैं नतीजे, और क्या स्टॉक आज फिर से धूम मचाने के लिए तैयार है? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली टाटा पावर के जो नंबर्स हैं काफी जो एक्सपेक्टेशन से उससे बेहतर है, चाहे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे वो जनरेशन की बात हो। और हमें लगता है कि ये जो एनर्जी की पूरी जो इकोसिस्टम है, चाहे वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हो या जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो इतना बड़ा एक विजन लेके चल रहे हैं सब लोग, उसमें टाटा पावर एक अहम रोल अदा कर सकता है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने प्लानिंग की हुई है। तो इस तरह के नंबर्स के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए। स्टॉक भी मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी उसमें 5-7% का करेक्शन दिखा चुका है। यहाँ से 18-20% की अपसाइड मान के हम चल सकते हैं। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। पे आज पॉजिटिव स्टॉक रिएक्शन जरूर देखेगा, पर हिमांग, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, आप समझना चाहेंगे कि आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये जो गिरावट है अब थोड़ी सी थमनी चाहिए, और ऐसे में अच्छा समय है फंडामेंटली मजबूत काउंटर्स को एक्यूमुलेट करने का? अगर हाँ, तो कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स पे नज़र रखें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक स्विफ्ट एंड शॉर्ट करेक्शन आया था मार्केट में और काफी हद तक स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है। और हमें लगता है कि जैसे ही यूएस मार्केट्स में आईवी स्कूल ऑफ होंगे, एक स्टेबिलिटी दिखेगा, तो जरूर से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पर आना चाहिए। और अर्निंग्स जो है हमारी काफी बाय एंड लार्ज अच्छी रही है, चाहे वो निफ्टी कंपनीज की हो या चाहे वो ब्रॉडर यूनिवर्स की। मॉनसून प्रोग्रेस हैज बिन गुड, क्रूड के दाम भी एक लेवल पे है। तो मैक्रोस पे मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगता है। खाली अपना जो कंसर्न था वो था कि मार्केट्स में रनअप बड़ा हो चुका था, वैल्यूएशंस ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे जहां से रिस्क उतना फेवरेबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। बट मार्केट में एट ए इंडेक्स लेवल कोई बड़ा मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। तो एक बड़ा डाउनसाइड जो है फिलहाल नहीं दिख रहा है, पर चलिए कुछ एक सिरेमिक वाली कंपनी, टाइल वाली कंपनी एशियन ग्रेनिटो, हालांकि छोटी साइज की कंपनी है एशियन ग्रेनिटो, 75 रुपये के आसपास का भाव है। इसके नतीजे हैं और नतीजों में एक चीज़ हम जो देख रहे हैं वो ये कि घाटे का फिगर था और अब जो आया है इनको प्रॉफिट आया है। हालांकि 2 करोड़ रुपये का ये प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट है। मार्जिन हालांकि अच्छे से इम्प्रूव किया है, एबिटा में ठीक ठाक हम उछाल देख रहे हैं, यानी कि कामकाजी मुनाफे में। आदित्य आप बताइए, एशियन ग्रेनिटो कोई ट्रेड यहां पर लेना चाहिए? देखिए, काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, और पहले भी ये स्टॉक थोड़ा सा चर्चे में रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू मतलब थोड़ा इसमें कंसर्न्स रेज हुए थे, थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर में इसको कंसिडर करता हूँ। बट टेक्निकली अगर नज़रिया बनाए तो एक बार स्टॉक 80.70 क्रॉस करता है तो एक बार बुलिश नज़रिया बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 74 का, और टारगेट रहेगा इसमें 85 से लेके 90। बट मैंने जैसा बताया कि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है और थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो बहुत एग्रेसिव बाय नहीं कहूँगा, बट टेक्निकली इसमें एक बाय ट्रिगर हो सकता है 80.70 के ऊपर। बताना ना, जो नतीजे आते हैं बताना हमारा फर्ज है, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि नहीं